Shyam. Nice name. मेरी अनुराधा। बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। घंटी बज रही है। हेलो हेलो कबीरा स्पीकिंग। कौन? अबे इंटरव्यू दे रहा है क्या? कड़क आवाज में बोल। हेलो कबीरा स्पीकिंग। कौन कबीरा? भाई जिसके कब्जे में तेरी पोती रिंकू है। मेरे, क्या? अरे मेरे कब्जे में है तेरी पोती रिंकू। रिंकू कहां से बोल रहे हो तुम? जो कबीरा ने तेरे को राख दिया तो उसको राख दे। दे उसको, डरा उसको। सेम बोल, डरा उसको। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, तेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहा है तू? कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी? माय मिस्टेक। तेरे पोती के टुकड़े टुकड़े करके तेरे कुत्ते को खिला देंगे। देखो देखो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। देखो मेरी पोती को कुछ मत करना प्लीज। रो रहा है बेचारा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे हम तुझे फिर फोन करेंगे। पैसे कब और कहाँ लाना कल, ये हम तुम्हें कल बताएंगे। तुम जितना चाहोगे मैं उतना दे दूंगा। मैं सारी दौलत दे दूंगा। बोलो तुम्हें कितना चाहिए? कितने पैसे? कबीरा को 10 देने, मेरा 12.5, 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
20 लाख रुपए। हाँ 20 लाख, मैं उससे भी ज्यादा दूंगा, उससे भी ज्यादा। क्या संजू, क्या बात है? नताशा, रॉकी आर्किटेक्ट नहीं है? हाँ पता है, वो तो नेवी का कैप्टन है। नहीं, वो नेवी का कैप्टन भी नहीं है, he's a murderer. क्या? हाँ, वो भी छोटा मोटा नहीं, he's a serial killer, रामन राघव जैसा। क्या बात कर रहा है भाई, आपने मर्डर किया मुझे बताया तक नहीं? मुझे खुद अब पता चला है कि मैं मर्डरर हूँ। अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा कर उन्हें बर्बाद कर चुका है वो। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। रॉकी और खूनी? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम्हें मैं ये सब बात तो पे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं तो ये लो पढ़ लो, आज का न्यूज़पेपर है, इसमें दुबई पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लिखी हुई है। ओह माय गॉड भाई। नताशा, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं। नहीं संजू, तुमने मुझे हमेशा मुसीबत से बचाया है, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, उस रॉकी से दूर रहना नताशा, मेरी खातिर। साला शाना बनता है, भाई बनने का बहुत शौक है तेरे को। हाँ चल चल, मैं इसे मार दूंगा साहब, मैं इसे मार दूंगा साहब, मैं इसे मार दूंगा। उसे मार देगा तो तू बच जाएगा, लगता नया नया
क्या नाम है तेरा? हेमंत पांडे। क्या बोला? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे, तेरा नाम तो नहीं है लिस्ट में, है? अभी अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ सब, नया नया ज्वाइन किया हूँ। नया नया कंपनी ज्वाइन किया तो फटाफट छोड़ देना, चल जा चल जा। बोला ना छोड़ दे वरना ठोक डालूंगा साला। छोड़ डाल उसको, जोर वोर दे, सरेंडर कर, डाल दे साला, बचेगा अभी, चल जा। ए दशरथ पाटिल, साला अप्पा को एड़ा समझता है? बैंगलोर से आया अप्पा, और भाई दिन आने बाबू ऐसे चली। ये मिलिट्री अपने पीछे काय को पड़ी है? बाबू भैया ये राजू के चक्कर में आज हम शहीद हो जाएंगे लगता है, चलिए जल्दी। बाबू भैया ये धोती पैर में आ रहा है। अरे आप ऐसा धोती खोल के क्यों पहनते हैं फिर? तो तू बोले तो धोती निकाल के भागता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, चलिए चलिए आप चलिए। ए भाई साहब मेरी अनुराधा को मार रहे हैं, मेरी अनुराधा को मार रहे बाबू भैया। इसका ब्रेक किधर है? जय महाराष्ट्र। चल धीरे निकल, चल धीरे निकल। क्या कर रहे हैं भैया? मेरी अनुराधा प्यार से पेश आई है ना, ये छोड़ रही है, मेरा पैसा लेके भागी, छोड़ रहे तू मेरा पैसा? अरे मिलिट्री वाले नहीं गुंडे हैं क्या? माला ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। अरे बाबू भैया मेरी अनुराधा। ए गुंडे भाई साहब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितनी बार बोले छोड़ो छोड़ो, मेरी अनुराधा कितनी बार बोले, तो कितनी बार बोले, ये मारने का नहीं। राजू राजू ये देख, ये बार बार ये अटैक कर, ये मेरा चश्मा। अरे तू क्या कर रहा है ये? तू घर पे जा रहा है, अपना ही आदमी को मार रहा है, घर पे जा। अरे मारा किधर? उठेगा तो बांबू से मारूंगा। इधर इधर इधर, मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा, मेरा पैसा दो। राजू टेंशन मत ले यार, प्लीज यार। चल राजू संभाल, उसका हाथ निकल जाएगा। राजू जल्दी बोल, जो बोलना। मुंबई बर्बाद होती है तो होने दो, तुम अपनी नौकरी की चिंता मत करो, कश्मीर आजाद होते ही हम तुम्हें वहां का आईजी बना देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कश्मीर हमारा होगा। ए राशिद, सपने देखना छोड़ दे, पिछले 50-55 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं ना, जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान में ही रहे। अरे हमारी नहीं तो कम से कम अल्लाह की तो मान लो। अल्लाह की मान के ही तो मैंने अपने मुसलमान भाई की मदद की खातिर फोन किया भाई। क्यों? पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहे, उनकी मदद करो राशिद भैया। और अगर तुम्हारी नजर में पाकिस्तानी मुसलमान मुसलमान नहीं है तो फिर बड़े अफसोस की बात है, और अगर हैं और फिर भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो तुम्हारे मुल्क के लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे। राशिद गद्दार हमें नहीं, तुम्हारे मुल्क के लोग तुम मुसलमानों को कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, है यहाँ कुछ लोग जो हमें कदम कदम पर देशभक्ति सिखाते हैं, जैसे कि तुम हमें घड़ी घड़ी इस्लाम सिखाते हो। देख ब्रिगेडियर, मेरा मजहब है इस्लाम, लेकिन मेरा मुल्क है हिंदुस्तान, इसलिए मैं करता हूँ भारत माँ को सलाम, जैसे तुम लोग करते हो लहू लुहान। देखो बंद कर दो ये सब, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बैंड बजा देंगे तुम्हारा। ओवर एंड आउट।